वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने कज़न की मेहंदी का व्लॉग, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तो क्लिप्स कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज आई एम ब्यूटिशियन और मुझे ही उसे रेडी करना था। और सबसे पते की बात और इम्पोर्टेंट बात यह, अगर आप भी ब्यूटिशियन है ना, तो यार प्लीज़ या तो अपनी प्रोडक्ट साथ लेके जाया करो या फिर नहीं बताओ कि मैं ब्यूटिशियन हूँ। बहुत जलालत होती है, बहुत जलालत। इवन कि मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग कैसे कैसे गुजारा करते हैं, कैसे करते हैं यार। मतलब कुछ भी मांगो उस टाइम तो कुछ है ही नहीं। ज़्यादा मज़ा आता है रस्मों का, डांस का एंड ढोलक का। ये सबसे स्पेशल और हमारी सबसे मेन चीज़ें होती हैं। लेकिन उन रस्मों में कुछ रस्में तो बहुत अच्छी होती हैं। एक मैं रस्म आपसे शेयर भी करूँगी, ये है गाना जिसमें बांधते हैं दूल्हा या दुल्हन को। खैर यहाँ पे एक रस्में वगैरह चल रही थी और हम लोग पीछे इंजॉय कर रहे थे, डांस हो रहा था, ढोलक बज रही थी, बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया हमने। लेकिन एक रस्म ऐसी होती है, उससे सारे अनमैरिड जो कज़न्स होते हैं ना, वो बच रहे होते हैं, क्योंकि दूल्हा या दुल्हन क्या करते हैं, उसमें थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इसलिए मारते हैं कि उनकी सोच के मुताबिक कि अगर हम इसको थप्पड़ मारेंगे तो इसकी जल्दी शादी हो जाएगी। खैर अपने बहनों भाइयों की और कज़नों की शादियाँ होना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली आप तरह तरह के लोग देखते हो, कोई छोटा है, कोई मोटा है, व्हाटएवर, ठीक है। और ये एक क्यूट सा बेबी हमें मिला था, बहुत प्यारा बेबी है, मेरी कज़न का बेबी था, जिसकी शादी है उसी की सिस्टर का बेबी था। तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। सो बारात एंड वलीमे का इंशाल्लाह मैं ज़्यादा शेयर करूँगी क्लिप्स आपसे। एंड तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।